Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fantastic and are safe at home. So आज का video होने वाला है on this palette. इस palette को use करके मैंने ये वाला makeup look create किया है. Base makeup को छोड़ के आप जितने सारे products मेरे मुँह पे देख रहे हो इसी palettes को use करके मैंने create किया है. अगर आप interested हो मैं कैसे ये वाला look achieve किया है तो keep on watching. बहुत ही versatile palette है. इसी palette का review तो बहुत लोगों ने बहुत बार दे चुके होंगे. मैं बस इसी पैलेट से बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करके आई शेडो को छोड़ दो, आई शेडो के लिए तो ये पैलेट बना है. इस पैलेट में से और क्या क्या हो सकता है यही मैं आपको दिखाने वाली थी. ये पैलेट कितना वर्साटाइल है यही मैं शो करने वाली थी, इसीलिए ही ये वाला लुक क्रिएट किया है. अगर आप जानना चाहते हो इस लुक को मैंने कैसे अचीव किया है या फिर आप जानना चाहते हो ये पैलेट कितना वर्साटाइल है सो कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड. मेक श्योर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब के पास एक बेल बटन होगा उसको भी हिट किया है ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. All right guys, as you can clearly see, I have absolutely nothing on my face. Nothing means absolutely nothing on my face. मैंने अभी फेस वॉश किया हुआ है, देन अप्लाई किया है ये वादी का लिप बाम, ये स्ट्रॉबेरी वेरियंट का है. देन हम चलते हैं हमारे मॉइस्चराइजर की तरफ. मॉइस्चराइजर के लिए मैं ले रही हूँ सेटाफिल का ये मॉइस्चराइजर. मेरा स्किन जो है वो ड्राई एंड सेंसिटिव है, उसको बीट करने के लिए मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से काम करता है. देन अगर मुझे इंटेंस हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है मैं चलती हूँ जिप सेरम गुड वाइब्स का या फिर फेशियल ऑयल की तरफ. तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं. ओके. मैंने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है. देन मुझे लगता है थोड़ा और हाइड्रेशन की ज़रूरत है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं अप्लाई करूँगी गुड वाइब्स का ये रोज हिप सेरम. अगर आपका ड्राई स्किन है और उसको आप ट्रीट करना चाहते हो तो ये सीरम बहुत अच्छे से काम करता है, स्पेशली आप मेकअप से पहले. अभी हम चलते हैं आई शेडो की तरफ और आई शेडो को अप्लाई करने से पहले हम बेस लगाएंगे. और बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्विस ब्यूटी का कंसीलर. ओके. कंसीलर मैंने प्रॉपरली अप्लाई कर लिया है अपने अपर लिड्स पे. इसको सेट नहीं करना है अभी मुझे क्योंकि जो बेस मैं अप्लाई करूँगी जो आई शेडो अब मैं अप्लाई करूँगी वो प्रॉपरली सिट डाउन कर सके मेरे जो आई लिड्स पे, इसलिए मैं इसको पाउडर से सेट नहीं कर रही हूँ. तो मेरा जो आउटफिट है वो वेस्टर्न है इसीलिए उसी को ही ध्यान में रखते हुए हम एक जनरल लुक क्रिएट करेंगे. तो चलते हैं अभी हमारा जो स्टार प्रोडक्ट की तरफ. ये मैं ले रही हूँ कफ्सनलैशेस का एनचैंटिंग पैलेट है. तो ये आई शेडो पैलेट, आई शेडो के अलावा ये क्या क्या तरीके से हमारे मेकअप में हेल्प करता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम आई शेडो की तरफ चलते हैं. आई शेडो के लिए मैं सबसे पहले एक न्यूट्रल कलर लेना चाहती हूँ. तो न्यूट्रल के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला कलर और हमारा जो आईलिड से उस पर अप्लाई करेंगे. इसमें फॉल आउट तो है लेकिन हाँ पिगमेंटेड भी बहुत है. देन मैं ये वाला जो डार्क कलर का ब्राउन शेड है इसको और इसको मिलाकर अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करने वाली हूँ. ये वाला कलर ले रही हूँ. ओके. एकदम रस्टी ब्राउन कलर का कलर है, ये शिमर शेड है इसमें और इसको मैं अपने फिंगर टिप्स पे लेकर अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी. देन अच्छे से आपको ब्लेंड करना है सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. अभी मैं दूसरे आईज पे इसको कंप्लीट करके आपको फिर से मिलती हूँ. ओके. दूसरे आईज का आई शेडो भी कंप्लीट हो चुका है. अभी हम चलते हैं आईब्रोज की तरफ. आईब्रोज के लिए आप यूज़ कर सकते हो इस कलर को. अगर आपके आईब्रोज बहुत डार्क है तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो. मेरे जो आईब्रोज है वो बहुत थिन है एंड कलर ग्रेश टाइप के है इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ. तो मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्राउ पेंसिल. ये माई आईब्रोज आर डन. अभी हम चलते हैं बेस मेकअप की तरफ. बेस मेकअप को कंप्लीट करने के बाद हम हमारे जो लोअर लैश लाइन के काम करेंगे, आई शेडो अप्लाई करेंगे. तो अभी बेस मेकअप के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. बहुत अच्छा प्राइमर है ये, बहुत अच्छे से पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन एंड टेक्सचर को स्मूथ बनाने में ये मदद करता है. आई एम टेकिंग दिस मच. अपने फिंगर टिप्स पे लेकर जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा फोर्स है उस पर मैं प्रेस कर रही हूँ. ओके. मैंने ऑफ कैमरा ही जितने सारे फॉल आउट्स थे उनको रिमूव कर लिया था. थोड़े थोड़े ही फॉल आउट्स थे. अगर आप ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहे हो या फिर
ग्लिटर्स इसके यूज़ कर रहे हूँ तो डेफिनेटली फॉल आउट होंगे. तो आप सबसे पहले आपका आई शेडो कम्प्लीट करो, उसके बाद आप आपका जो बेस मेकअप है करो, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. फिर से आपको बेस मेकअप का जो प्रोसेस है वो दोहराना नहीं पड़ेगा. तो अभी मैं चलती हूँ कंसीलर की तरफ, और मेरे जो डार्क सर्कल है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा डार्क कंसीलर यूज़ करूँगी टू हाइड माई यू नो डार्क सर्कल्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. यहाँ पे थोड़ा चिकन पॉक्स का स्पॉट है, उसको करेक्ट करने के लिए हम थोड़ा डार्क कंसीलर यूज़ करेंगे. और अगेन मैं डार्क कंसीलर भी स्विस ब्यूटी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ. ओके, अभी फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 310 सन बेज. बहुत ही हल्का ले रही हूँ, बहुत ही हल्का. ऑल राइट, मैंने फेस को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है एंड आई नो मैं भूत जैसे दिख रही हूँ, बट थोड़ी देर के बाद फेस सेट हो जाएगा और अच्छा दिखने लगेगा. तो अभी मैं करने वाली हूँ फेस को प्रॉपरली सेट, और फेस को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ कलर बॉक्स का ये फेस पाउडर. ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है और मेरे स्किन टोन के लिए बहुत परफेक्टली सूट करता है. ओके, मैंने फेस को बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लिया है. अभी हम चलते हैं लोअर लैश लाइन की तरफ. लोअर लैश लाइन के लिए मैं थोड़ा सा डार्क शेड में जाऊँगी एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला कलर. में इसको और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ अपने आईलिड्स पे एक हल्का सा लाइनर ड्रॉ करूँ, बहुत हेवी एंड विंग्ड आईलाइनर नहीं, थोड़ा सा हल्का एक जनरल आईलाइनर मैं ड्रॉ करने वाली हूँ. और आईलाइनर के लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन का ये कॉलर सेल बोल्ड लाइनर. ओके, लाइनर इज कम्प्लीट. अभी हम चलते हैं मस्कारा की तरफ. मस्कारा के लिए मैं ले रही हूँ नायका लाइक इट लॉन्ग लेंथनिंग मस्कारा. ये अपने आईलैसेस को बहुत अच्छे से लेंथ प्रोवाइड करता है. ओके, मेरा मस्कारा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है. अभी हम चलते हैं हाइलाइटिंग, देन ब्लश, देन कंटूरिंग की तरफ. और इसके लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला पैलेट. और शुरू से मैं यही बोल रही थी, ये वाला पैलेट बहुत वर्सेटाइल है. इसी पैलेट्स में से ही कलर्स को चूज करके हम हमारा ब्लश, हाइलाइटर एंड कंटूरिंग करेंगे. तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ कंटूरिंग, और कंटूरिंग के लिए मैं इस टाइप के एंगल ब्रश ले रही हूँ और मैं ये वाला शेड ले रही हूँ थोड़ा ज्यादा, और ये वाला शेड थोड़ा सा कम, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा मेरे स्किन टोन के लिए. और इन दोनों को मिला के परफेक्ट शेड बनता है मेरे कंटूरिंग के लिए. नेक्स्ट अभी हम करेंगे ब्लश, और ब्लश के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला शेड. देन हाइलाइटर के लिए मैं इसी टाइप का एक एंगल ब्रश ले रही हूँ और ये वाला शेड ले रही हूँ. बहुत बहुत सुंदर और सटल सा हाइलाइटिंग यू नो लुक दे रहा है ये. बिल्कुल ही वर्सेटाइल है ये वाला पैलेट. अगर आप बिगिनर हो, अगर आप कहीं पे जा रहे हो और बहुत सारा सामान आप लेके नहीं जा सकते, तो दिस पैलेट उस टाइम पे बहुत अच्छे से काम करने वाला है. इतने सारे हाई पॉइंट्स हैं, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन, ब्राउ बोन और चिक बोन, उस पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ. और जब भी आपको लगे कि हाइलाइटर आपके ओवर द टॉप हो गया, देन आप जिस ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करके आपका बेस मेकअप को सेट किया है, उसी ब्यूटी ब्लेंडर को लेकर आप सेटल डाउन कर सकते हो उसको. ओके, सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. नाउ अभी बारी है लिपस्टिक की. इस लुक के साथ अभी एक ब्राइट कलर भी जाएगा और न्यूड कलर भी जाएगा. मैं सोच रही हूँ एक हल्का पिंकिस लिपस्टिक अप्लाई किया जाए, और मैं कोई लिक्विड लिपस्टिक यूज़ नहीं करने वाली हूँ. मैं यूज़ कर रही हूँ वेला वोस्ते का ये लिप क्रेयॉन, और इसमें मेरा शेड है 04 टेक माई ब्रीथ अवे. ऑलराइट गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई मेकअप लुक टुडे. आई होप आपको ये वाला लुक पसंद आया होगा. बहुत ही सटल एंड यू नो जनरल रखा है मैंने. मैं बस यही यू नो शो करना चाहती थी कि ये जो पैलेट है cuffsnlashes का एनचैंटिंग पैलेट, बहुत ही वर्सेटाइल है. अगर आप बिगिनर हो, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, बहुत सारे टाइप्स के आई शेडो, ग्लिटर वाला हो, मैट का हो या फिर शिमर का हो, बहुत टाइप के कलर्स के आई शेडो लुक क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वाला पैलेट उस टाइम पे बहुत ही बेस्ट रहेगा. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतने सारे कलर्स मिल रहे हैं, ग्लिटर्स मिल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप ग्लिटर का पैलेट खाली खाली ही लो,
मतलब सिंगल वाला लो 150-200 रुपए में मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आई शेडो लुक के अलावा ये आपके ब्लश, हाईलाइटर और कॉन्टोरिंग का भी काम करता है। अगर आपका आईब्रोज का भी कलर मैच कर लेता है इसके जो डार्क कलर के साथ, डार्क ब्राउन कलर के साथ, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो और क्या चाहिए इतने कम प्राइस में। एंड आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के पास एक बेल बटन होगा, उसको भी हिट करना ताकि आने वाले ऐसे वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।